लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इस छोटी सी बच्ची के साथ भगवान ने किया ऐसा अन्याय जानकर आपका भी दिल दहल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। आप सभी से बस यही विनती है कि प्लीज इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। इस दुनिया में हम सभी भगवान को मानते हैं, यह पूरी सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई, उनकी इच्छा के आगे किसी का भी कोई वश नहीं चल सकता है। लेकिन भगवान भी कभी कभी किसी के साथ इतना कर देते हैं कि यह देखकर हमारी भी आंखें नम हो जाती है। ऐसा ही कुछ एक छोटी सी बच्ची के साथ हुआ। दरअसल फरवरी में इस छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ है जिसका नाम वैष्णवी है। जांच के बाद वैष्णवी के शरीर में आधा दिल और दो आर्टरी एक ही ओर होने की पुष्टि हुई। इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में आ गया और अपनी बेटी को लेकर सनत कुमार एम्स चले गए। जब कार्डियोलॉजी विभाग में बच्ची को दिखाया गया तो डॉक्टर ने 4 माह के अंदर ऑपरेशन कराने की सलाह दी, लेकिन डॉक्टरों ने लाचारी व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि एम्स में 10 मई 2021 से पहले ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। एम्स के डॉक्टरों ने 4 माह का वक्त दिया है जो कि अब खत्म होने वाला है। उसके पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी भी नहीं है कि दिल्ली के किसी निजी अस्पताल में भी ऑपरेशन करवा सके। इसके बाद उसने सर गंगाराम अस्पताल में मदद मांगी है जहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान पिछले 2 महीने से रात दिन सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से अपनी बेटी के लिए संजीवनी मांग रहा है, लेकिन उस पिता की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है।